प्रार्थना करें, दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आज प्रार्थना बहुत जरूरी है।
प्रेम करता है। फिर वो वचन ले रहा था वचन देना वासी को। दोबारा उस वचन को पढ़ें। संगीत निरंतर है वचन समझ रहे हैं। ये वचन संहिता 27 का 1 में लिखा है। कर्ता ने रक्षा में रक्षित बनवाया था। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यार तू मैं पढ़ रहे मैं किससे डरूं? निरंतर देव चलो मैं मेरे प्रिय प्रभु के लोग कर्ता ने रक्षा रक्षित बनवाया था। अब परमेश्वर आपका ज्योति और उद्धार है। किसके लिए आप डर कर जीवन जी रहे हैं? आज किसी भी बात को लेकर डर है। क्या होने जा रहा है? गुरुमत अपनी नड़त है। अपने परिवार को कैसे चलाना है? मेरे बच्चों की भविष्य क्या होगा? ये कोई भी चीज ले लो डर लगता है। सही से नींद नहीं आती है। वो तुम पर अंधी पाया। रात को सोते समय वहाँ पर डर है। गिरते बादल आ नहीं पाया। अंधकार को देखते डर लगता है। मानी तो बादल पाया। लोगों को देख ले तो डर लगता है। आपके गुरु तुम पाया। जीवन के बारे में डर। चालीस के गुरु तुम पाया। के बारे में डर। गुरु मत एक बात तुम पाया। परिवार के बारे में डर। ये कहीं तो तालु पाया। कोई भी चीज ले लो डर। नंबर देव चना में। मेरे प्रिय प्रभु के लोग। इनके लेकर कार बाइंड बोल्ड नमस्कार जीवित कर देना मोर वरीर किरा हमारे लिए जीवन देने वाले एक प्रभु है। हरित तो हुई तंग है सो ये किरा मर कर जिंदा हुआ एक प्रभु है। यीशु वंदन को ये किरा यीशु आपके साथ है। यीशु जीवित कर दे यंद प्रचलन वाक्य मरा दे। जब यीशु आपके साथ है कोई भी परेशानी आपको कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया 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 यीशु ओड ये पद वालेंगे। यीशु के साथ हमेशा यीशु का वाक्य और संतोष यीशु के साथ की जो जीवन है वो बड़ी खुशी का यीशु का वाक्य और विडलाई वाला वाक्य है। जीवन में यीशु है वो उसके जीवन में छुटकारा। यीशु का वाक्य और आशीर्वाद वाला वाक्य है। जीवन में यीशु है वो आशीष का जीवन। उम्र वाक्य यीशु और यीशु के बंदा आपका जीवन यीशु के साथ हो। इतना बोला का तोड़ अल्लाह इस संसार के साथ। इतना बोला का तोड़ कहां से और अल्लाह ये संसार के साथ की जीवन में नहीं है। इतना बोला का तोड़ पूर्ण और अल्लाह ये संसार के चीजों के साथ नहीं। यीशु और उम्र वाक्य ये तो पाता। अगर यीशु के साथ आपके जीवन है नीचे उम्र वाक्य आश्रय में वाक्य आगे रखा तो आपका जीवन में बड़ा आशीष आए और कालम भय पड़ा दिए गए तो कभी भी डरना नहीं। यीशु उंगल नहीं रख रहा प्रभु आपके साथ है। यीशु उंगल नहीं रख रहा यीशु आपके साथ है। इन्हें जाने के तकले से इधर खोल रहा है। और बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्यों? वाक्य कुरी तलाना पाया जीवन के जिंदगी के बारे में डर। वाक्य बंदा तोल भी कर जो है जीवन में आया वो हार। वाक्य बंदा प्रच्छ नहीं कर और जीवन में आई हुई परेशानियां। वाक्य बंदा फाड़ गए किसी के घर के लिए गया मैंने पूछा कि आपके लिए किस लिए प्रार्थना आपके घर में कौन कौन है आप ऐसे पूछ रहे थे। उन्होंने बताया हमारे घर में सब है लेकिन एक नहीं है। मैं उसके बारे में पूछा यार कौन आपके घर में नहीं है? सगोदरे मेरी बहन नहीं है। क्या हुआ? तकले से इधर कौन डाल गए? वो आत्महत्या कर लिया। ये तकले से इधर कौन डाल गए? आत्महत्या कर लिया। और वाली मामा गए? एक जवान लड़की। वाली मामा गए? एक जवान लड़की। तकले से इधर कौन डाल गए? क्यों आत्महत्या किया? तकले से इधर कौन डाल? आत्मा पर्वत तो पोगमा। आत्महत्या किया हुआ जो आत्मा है वो क्या स्वर्ग जा सकता है? तकले से इधर कौन आत्मा पर्वत तो पोगमा। आत्महत्या करने वाला आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकता। हनुमान देव चरण में मेरे प्रिय प्रभु के लोग वो मुड़ी आते वो नहीं जा सकता। नल्ला गवनी के अब अच्छी तरह ध्यान दो। नंबर बिरक मोद देवनोड सिद्धतन बड़ी परख दो। जब हम जन्म लेते हैं हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं। आगे हमें मरना लेकिन हमारा जो मौत है सीधा देवड़े मरण देव सिद्धतन बड़ी आगे लिख रहे कुछ लोगों की जो मौत है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
लेकिन कुछ लोगों का मौत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता, जन्म परमेश्वर के द्वारा ही है। अब अच्छी तरह ध्यान जो भी जन्म लिए हैं हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जन्म लिए हैं, लेकिन हमारा मौत भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का जो मौत है मृत्यु है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। इस्तेमाल करके उसके कारण मर जाते हैं, जो है हत्या करके मारे जाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस प्रकार शैतान इंसानों को धोखा दे रहा है, अपने मरण तक वाक्यम शैतान मंचते कोंडे रख रहा है, उनके मृत्यु तक जो है उसको धोखा दे रहा है। विरोध को इराय में वाली कर दे, जन्म परमेश्वर के द्वारा ही आता है। और विरोध को देव सिद्धन बड़ी सही को पढ़ कर ये लोग मन का बात कर, लेकिन जो है मौत जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। और नम्मुडिय मरण वाल देव सिद्धन बड़ी सही रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो मौत है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। आज तक पढ़ लो कि वाली का संधि में डो कभी जो है स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। सारी ना मन और मन और पाई बिडो, ये जो शरीर है वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा है, आत्मा को मरण की नहीं याद है, जो हमारी प्राण है आत्मा है उसके लिए मौत नहीं है। आज देव मरण पढ़ लो मेरे सल्ला बेटा, परमेश्वर के साथ जाएगा, नरक तक कोई बड़ा खोड़ा दे, नरक में नहीं जाना चाहिए। देव चला में मेरे प्रिय प्रभु, न्याय तो पड़े बेटा, आपको तैयार होना है, गुरु बताए तो पड़ते बेटा, अपने परिवार को न्याय तो पड़ते बेटा, सब को आए तैयार करना है। राज्य की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए दिए जाएंगे। पहले आपका परिवार प्रभु के राज्य की खोज करना है। तो वाक्य वो नित्या समान वाक्य है, मसीह की जीवन एक परक की जीवन है, बोला का तोड़ वाला वाक्य अल्लाह, संसार के साथ की जीवन नहीं है, बोला का तोड़ हिनंद वाक्य अल्लाह, संसार के साथ की जीवन नहीं है, हेरपुरी के पट्टा वाक्य है, अलग किया हुआ जीवन है। यद्यपि कि ज्ञान स्थान पे बैठ के पट्टा मो, जब हम बपतिस्मा ले लिया, यद्यपि कि रक्षा पे बैठ के पट्टा मो, जिस दिन से हमने उद्धार पाए, यद्यपि कि अभिषेक पे बैठ के पट्टा मो, जिस दिन से हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, हेरपुरी के पट्टा वाक्य है, अलग किए गए लोग हैं, यद्यका है परलोक तुरका है, स्वर्ग राज्य के लिए, परलोक तुरका है, स्वर्ग राज्य के लिए, हालेलुया हालेलुया, हेरपुरी के पट्टा वाक्य नाम वाक्य इरकवेंडा, अलग किए हुए जीवन में हमारी जीवन होना चाहिए, आपका परिवार येशु से प्रेम करने वाला, येशु प्रिय पड़े कुटुंब, वही प्रभु चाहता है, येशु प्रिय पड़े कुटुंब, इससे परिवार को येशु चाहता है, येशु सोलिगा, येशु कहता है, नानुं निंदा मिंदा कर्तर येशु निपो, मैं अपने परिवार समेत पर यहोवा की ही आराधना करता हूं, कर्तर येशु का कुटुंब वालों कुटुंब में रखेगा, आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करने वाला परिवार, अदन देव प्रिय पड़े वाक्य, वही परमेश्वर का भावता हुआ जीवन, नमन रहे ने निकलो, आज हम बहुत सोचते हैं, या कनोन नानने तेरे को बंदे, मैं अपने पति को मैंने चुनाव किया, या भाई ये नानने तेरे को बंदे, मैंने अपने पत्नी को पत्नी का चुनाव किया, या बड़े नानने करते हैं, मैं बच्चों को मैंने ही जन्म दिया, या ना करिए कुड़ो मत अपने नाता, मैं जानता हूं मेरे परिवार को किस तरह चला कर रही है, अब अच्छी तरह ध्यान दें, आंटुडे सिद्धन लामा कनोन मुझे कर चुका माता, परमेश्वर की इच्छा के बगैर पति नहीं मिला होगा, आंटुडे सिद्धन लामा मानविया अपने कनोन कर चुका परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्नी नहीं मिली होगी, परमेश्वर की
शिक्षा के बगैर आपके बच्चे नहीं हुए। हर एक बात के लिए एक मकसद है। क्योंकि आपका परिवार प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए ही आपको परिवार को प्रभु ने दिया है। குடும்பத்தோடு தேவனோடு இருக்க வேண்டும். हम पूरे परिवार समेत यीशु के साथ குடும்பத்தோடு தேவ சம்பந்தம் இருப்பதில்லை. लेकिन हम परिवार समेत नहीं होते। வீட்டில் எத்தனை பேருக்கு குடும்ப ஜெபம் இருக்குது? आपके घर में कितने लोगों के घर में पारिवारिक प्रार्थना? குடும்ப ஜெபம் இருக்குதா? क्या आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना है? கணவன் மனைவி பிள்ளைகளோடு ஜெபம் பண்றீங்களா? क्या आप अपने पति पत्नी बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? शनिक குடும்பம் குடும்பம் இருக்குதா? क्या प्रार्थना करने वाला परिवार है आपका? साक्षियों वाक्य वाक्य कुटुंबों वाक्य इरकदा गवाही का जीवन जीने वाला परिवार है क्या आपका? कुटुंबों अपनी पट वाक्य आगे लिख रहे हैं। आपका परिवार किस तरह से है? उनके वाक्य सोचित पारेंगे। अपने जीवन को थोड़ा सा जांच कर देखें। और कुटुंब सोचित पारेंगे। अपने परिवार को जांच कर देखें। हमारे नाम सोचित पार करेंगे। अपने आप को जांच कर देखें। मैं कैसा हूँ? मैं अपनी बालिग रहे विश्वासी लोग। ये विश्वासी लोग। ये नंदोरम ये सुरे समुद्र तल कांतरंगे।